जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो देवी ने इसी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया। पर देवी को सबसे ज्यादा प्यार था अपनी पहली संतान से, हस्तर से। सोन उसने मनमानी से उठा लिया। इसने स्वयं ही अपने चारों ओर एक अभेद घेरा बना लिया है। वह स्वयं ही इस घेरे का मालिक है। और एक दिन हमारे ही पूर्वजों ने उसे याद किया और उसके नाम का मंदिर बना दिया, स्वयं ही बंदी भी, क्योंकि हस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान है। मतलब जब तू अंदर जाएगा तो समझ जाएगा। अंदर कहाँ? ये गोटे हैं और ये दो पासे, पासों के अंक से गोटे चलते हैं। जिसके गोटे यहाँ पहले पहुंचे वो जीता। देवी की कोख में मैंने एक नए विश्व की संकल्पना की है। गेम बहुत लंबा जाएगा लोग। ये ब्रह्म युग है, सरल भाषा में इसे चिलत्रास कहते हैं। इस महायुद्ध के पश्चात चारों तरफ विनाश ही विनाश होगा। ब्रह्म युग में देव पूजन का कोई फल नहीं मिलता। बड़े होकर के क्या बनोगे? भक्ति और संस्कार निरर्थक है। ईश्वर का निर्वासन ब्रह्म युग आरंभ का प्रतीक है। चाहे जितनी शक्ति से उसे पुकारो वो नहीं सुनेगा। कर्मों के जाल से कोई नहीं, क्योंकि ये क्रूर यथार्थ एक अंग आ सकते हैं। आप चाहें या ना चाहें, पर सब कुछ जुड़ा हुआ है। साथ दो बार भी